नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इस पाम में क्या क्या खासियतें हैं। सबसे पहले अगर नज़र जाती है तो हथेली की चौड़ाई। जब स्क्वेरिश हथेली होती है तो व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है। प्लस इनके अगर उंगलियां देखें तो हथेली की साइज की उंगलियां है, तो ऐसे लोग काफ़ी एनालिटिक होते हैं और इनके फर्स्ट फैलेंज भी बड़े बड़े हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए तो बाल की खाल निकाल कर सामने वाले को दे सकते। कोई प्रोजेक्ट इनके सामने आया तो उसके प्लस माइनस अच्छा खासा ये लोग निकाल कर दे सकते। इस तरह की पर्सनालिटी इनकी होती है। पर उंगलियां जब बड़ी होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि ज़्यादा थिंक करता है तो व्यक्ति बिहेवियर उसका स्लो होता है, इस तरह का व्यक्तित्व रहता है। और छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सब चीज़ों में मास्टर होता है। और अंगूठा जिसका अच्छा और ये उंगली अच्छी तो बहुत प्लस पॉइंट है और आम व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है। अब इस पाम पर एक और खासियत है, इनकी जो छोटी उंगली है उसका पहला जो फैलेंज है वो एक थोड़ा सा मुड़ रहा है। तो ये जो मुड़ता है ना, ये व्यक्ति को जो बिजनेस की कला है उसमें बहुत एक्सपर्ट बनाता है, कंप्लीट एक्सपर्टी देता है। इस तरह का मानसिकता इनकी बनती है, यानी इनके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई बिजनेस की या कोई कॉमर्स की, तो ये लोग अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इस तरह का फायदा देता है जीवन में। अब चलते हैं इनके ग्रहों की ओर। बुध ग्रह अपनी जगह पर उभरा हुआ है, तो बोलने की सुंदरता और ये सब सारे गुण बिजनेस के, ये सारे गुण व्यक्ति में होते हैं। अभी इनकी उम्र छोटी है, पर ये जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ेगी ये सारे गुण इनमें स्ट्रांगली दिखते जाएंगे। अब इनकी एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही, हार्ट लाइन से। तो जनरली हार्ट लाइन से जब किसी की व्यक्ति की रेखा शुरू होती है तो व्यक्ति टेक्निकल या साइंस फील्ड में मास्टर होता है, तो उस तरह का कार्य जीवन में करता है। अब चलते हैं इनके सबसे अच्छे प्लस पॉइंट की अगर जाए, तो इनके पाम पर जो मुझे दिख रहा है वो ये है, शुक्र वलय सबसे बड़ा। यहाँ से रेखा आई और यहाँ से मिलकर ये आगे बढ़ रही है, ये फेट लाइन है। जब इस तरह का शुक्र वलय व्यक्ति के जीवन में होता है तो व्यक्ति को जन्म के बाद, इनके ये सेकंड पुत्र का हाथ है, दोनों के हाथों में शुक्र वलय है, तो ये फायदा परिवार को भी देता है। जैसे इन बच्चों का जन्म होता है ऐसे शुक्र वलय वाले, तो उनका परिवार धीरे धीरे संपन्न बनता है। अगर यहाँ पर स्टार आ जाए कोई तो बहुत सारा संपन्न बनता है, पर जब शुक्र वलय होता है तो परिवार धीरे 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 अच्छा खासा संपन्न बनता है। और ये शुक्र वलय व्यक्ति को अच्छा खासा धन कमाने में सहायक होता है। जहाँ आम व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, वहाँ पर ऐसे लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते। इस तरह का लाभ शुक्र वलय के कारण मिलता है। अब इनके पाम पर एक और चिन्ह जो बढ़िया सा दिख रहा है वो ये छोटा सा ट्रायंगल। जब कोई भी ट्रायंगल या कोई भी चिन्ह अगर पर्वत के बीच में बनता है तो उसके फल बहुत मिलते हैं। और ये है छोटा ट्रायंगल, पर ये इनको बहुत आगे लेकर जाएगा जीवन में। तो ये प्लस पॉइंट है इनके पाम पर, व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। अब इनकी जो सूर्य रेखा है वो ऐसी सशक्त तो नहीं है जिसके बारे में डिस्कस किया जाए, पर कम रेखाओं वाले जब रेखाएं होती है सूर्य पर्वत पर तो व्यक्ति को संघर्ष भी उतना कम करना पड़ता है। और एक लाइन और अच्छी खासी इनमें दिख रही है मुझे, जो यहाँ पर
इसको कहते हैं विद्या रेखा। विद्या रेखा जनरली विद्या से उसको उस तरह से काउंट मत करो कि व्यक्ति बहुत बड़ा पीएचडी कर लेता है या बहुत बड़ा मास्टर बन जाता है। विद्या रेखा व्यक्ति को एक व्यवहारिक ज्ञान देती है। ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनके पास पूछकर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये एक व्यक्तित्व को बैलेंस देती है। इससे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, पर एक बैलेंस व्यक्तित्व देती है जो जिंदगी की सच्चाइयों को अच्छी तरह जानता है और सामने वाले को उस सच्चाइयों से रूबरू करा के अच्छी सलाह दे पाता है। और ऐसे लोगों के पास जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछकर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये इनको लाभ जीवन में मिलेगा। अब इनके शनि पर्वत को देखते, शनि पर्वत बहुत बढ़िया। जब भी कोई पर्वत मैं शनि पर्वत एक रोड की तरह फ्लैट देखता हूँ तो वो सबसे अच्छा पर्वत माना जाता है। यानी शनि पर्वत के सारे गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इनके लाइन देखिए, एक लाइन इस तरह से जा रही है जो विदेश से धन आय की ओर संकेत कर रही है। एक फेट लाइन इनकी यहाँ से चली, नीचे से ही चल रही है और ये ऐसे मुड़ रही है। हो ना हो इनको ससुराल पैसे वाला मिले, इस तरह के संकेत ये दे रही है। या सरकारी या पॉलिटिकल काम के अंदर इन्वॉल्व हो, इस तरह का भी संकेत ये रेखा देती है। और कंप्लीट एंड तक इनकी फेट लाइन है, यानी इनका बुढ़ापा बहुत उत्तम जाएगा और इनका सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी इनके पैसे खर्च होंगे बुढ़ापे में, ये भी ये दिखा रही है रेखा। अब चलते इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत उतना उभरा हुआ नहीं है तो हो सकता है इनको परिवार से दूर रहना पड़े, पर अपनी जगह पर ही उभरा हुआ है जितना है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और बढ़िया सी रेखाएँ ऊपर तक जा रही है। तो कंटिन्यू जीवन में प्रगति होते रहेगी और एक स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ पर। जब इस तरह का स्क्वायर बनता है तो 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन और व्यक्ति को बोलने की कला भी अच्छी खासी व्यक्ति को देती है, ये देता है ये स्क्वायर। और एक क्रॉस भी बन रहा है, ये व्यक्ति को जो सांसारिक सुख है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा व्यक्ति को प्रदान होता है इसके कारण, इस क्रॉस के कारण। हाँ, पर इस क्रॉस के कारण हो सकता है इनको सरदर्द का प्रॉब्लम रहता हो, प्लस बचपन में बहुत बड़ी चोट कभी लगी हो सर में और अभी भी थोड़ी थोड़ी चोटें कभी कभी बिना खून निकलने वाली इनको सर में लगती होगी, इस तरह का लाभ। पर पत्नी ऐसे लोगों को बहुत समझदार मिलती है जिनका आपस में दोनों का अच्छा तालमेल होता है, इस तरह के इस साइन के कारण। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल को। अंदरूनी मंगल दो तीन रूप है इसके, अंदरूनी मंगल के। एक यहाँ पर खड्डा भी हो रहा है, इलाका काफ़ी बड़ा मिला हुआ है तो शरीर में एनर्जी मध्यम ग्रेड की रहेगी, पर उस पर बहुत सारी रेखाएं चल रही है, बहुत सारी। तो ये एक तरह से थोड़ा सा चिंतित स्वभाव देती है व्यक्ति को। कुछ अच्छा भी व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो भी व्यक्ति चिंतित रहेगा कि आगे कल क्या होगा, किस तरह का होगा, इस तरह का भाव देती है। और हमेशा कोई ना कोई चिंता, सब कुछ अगर जीवन में अच्छा भी है तो कुछ ना कुछ चिंता लेकर व्यक्ति बैठा रहता है, इस तरह का एक व्यक्ति को स्वभाव मिलता है इस अंदरूनी मंगल पर ज़्यादा रेखाएँ होती है। तो अब इनका भारी मंगल देखते, ये कमी पूरी कर रहा है कि नहीं। भारी मंगल अच्छा खासा साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन और बड़ा, तो ये संकट के समय अच्छी रीत से व्यक्ति अपने आप को संभालता है और किसी की शरण नहीं लेता, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, इस तरह की मानसिकता देता है। प्लस किसी से मिलता है व्यक्ति तो एनर्जी के साथ मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर भी देखें तो बहुत सारे रूप है। ये यात्रा रेखा है जो इनको विदेश यात्रा करा रही है, और एक ये जो रेखा है जीवन रेखा से निकलकर
जब इस तरह की कोई रेखा निकलती है तो व्यक्ति का सेटलमेंट, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ये रेखा कमज़ोर पड़ रही है, तो ये 100% ये विदेश में बस जाएंगे। आज भले ये इंडिया में है पर इनका 100% चांस विदेश में है, क्योंकि जब भी कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से जाती है और उसके बाद जीवन रेखा अगर थोड़ी सी हल्की होती है इस रेखा से, तो व्यक्ति को इस तरह का लाभ मिलता है। व्यक्ति सदा के लिए विदेश का नागरिकत्व स्वीकार लेता है कोई ना कोई कंट्री का, ये इनको लाभ मिलेगा जीवन में। ये क्लियर कट इंडिकेशन है और इनकी फेट लाइन भी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, तो ये भी दिखा रही है कि इनको विदेश से कमाई इनके जीवन में आएगी। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत उतना उभरा हुआ नहीं है और बहुत सारी आड़ी रेखाएं इनके चल रही है। ये जो मोटी रेखा है ये तो इनको लग्जरी देगी। अब शुक्र वलय है तो पैसा तो इनके जीवन में अच्छा खासा आने ही वाला है, पर ये जो आड़ी रेखा है ये इनको जीवन में बहुत अड़चने लाती है, बहुत अड़चने। यानी कोई भी कार्य इनका जैसे कोई पैर पकड़ के रखता हो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस तरह की फीलिंग इनको आती होगी। और इसका बहुत सिंपल इलाज है, मैं इनको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। अगर उन्होंने ये इलाज कर लिया तो ये रेखाएं हल्की हो जाती है और अच्छा खासा जीवन मधुर हो जाता है। बाकी शुक्र पर्वत इलाका बहुत बड़ा कवर किया हुआ है तो ये लाभ तो इनको देने वाला है, पर ये रेखाओं के कारण इनको बंधन बहुत महसूस होता होगा जीवन में। अब चलते हैं सॉरी हार्टलाइन की ओर। हार्टलाइन को अगर देखें तो गुरु पर्वत से शुरू होकर एंड तक जा रही है और एक शाखा उसमें से मंगल की ओर देख रही है। जब गुरु से हार्टलाइन शुरू होती है तो व्यक्ति विश्वासु किस्म का होता है और बहुत ज़्यादा गुरु तक नहीं जा रही है, यानी बहुत आदर्शवादी व्यक्तित्व होगा इस तरह का नेचर इनका नहीं होगा, पर विश्वासु किस्म का नेचर होगा। प्लस ये जो रेखा साइड से निकल रही है ये, तो ये रेखा इनको थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव दे रही है, इनमें गुस्सा बहुत होगा। अगर ऐसे लोग गुस्से को कंट्रोल भी करते हैं तो फिर चर्म रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह की माइनस पॉइंट है इनके हाथ पर। और ये माइंड लाइन और हृदय रेखा के बीच में डिस्टेंस कम है तो ये किसी न किसी व्यक्ति को घर में पूछकर कार्य करते होंगे, इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का बनता है। अब इनकी माइंड लाइन को देखते, माइंड लाइन की जो शुरुआती फॉर्मेशन है वो बन रही है मंगल रेखा से, कंप्लीट मंगल रेखा से निकलकर ऐसे सीधी जा रही है। जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, हद से ज़्यादा प्लान बनाता है, और ज़्यादातर प्लान उनके या तो कागजों पे रहते या दिमाग में रहते और वो इम्प्लीमेंट नहीं होते जीवन में। इस तरह का नेचर इनको जीवन भर मिलेगा, दुनिया भर के प्लान ये बनाते रहेंगे। और दूसरी खासियत है वो ये है कि अच्छा खासा समय ये अपने परिवार के निर्णयों पर चलेंगे। उम्र लगभग 35 साल तक ये अपने परिवार के निर्णय के ऊपर ही चलेंगे और उसके बाद ये अपना खुद का निर्णय लेना शुरू करेंगे और इनके जीवन की गाड़ी एकदम स्पीड में चलेगी। अब उसके बाद भी अगर इनकी माइंड लाइन को देखें तो आप उस पर अच्छा खासा मोटापा देख रहे हो। तो ये जब इस तरह का मोटापा होता है तो जनरल चीज़ें व्यक्ति को याद नहीं रहती, यानी याद शक्ति उस लेवल की नहीं होती, भूलने की एक आदत होती है ऐसे लोगों को। इनको आंकड़े याद नहीं रहते पर इनको कोई लॉजिक से समझाओ तो ये बरोबर उसको समझ पाएंगे। ऐसे दिमाग दुनिया भर का रहता है पर जिसकी याद शक्ति कहते हैं वो लेवल की नहीं होती। जो आज से 10 साल पहले किसने क्या कहा था, कल किसने क्या बोला था, वो व्यक्ति को याद नहीं रहेगा, पर वो
उसका भावार्थ क्या था वो व्यक्ति को याद रहता है। ये एक माइनस पॉइंट, इस तरह की मोटी जब माइंड लाइन होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई करता है, पर इस इनकी जो पढ़ाई का तरीका जो रहता है वो डिफरेंट होता है, आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनको याद रखने की एक तरह से प्रॉब्लम होती है। तो ये अपना कुछ तरीका क्रिएट करके उस मुकाम तक पहुँचते हैं और सफलता भी पाते। तो जीवन भर इनको इस तरह का प्रॉब्लम, याद का प्रॉब्लम रहेगा और कोई ना कोई प्रेशर ये हमेशा जीवन में झेले रहेंगे। और इनकी हार्टलाइन से भी बहुत सारी रेखाएं नीचे जा रही है, लोगों की सहायता करेंगे और इनको आर्थिक नुकसान हो सकता है जीवन में। ये दो माइनस पॉइंट इनके पाम पर दिख रहे। अब चलते इनकी जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है और यहाँ से फिर एक घुमाव लेकर आगे बढ़ रही है, और इसी जीवन रेखा पर ऑफशूट भी अच्छे खासे है। तो ये लगभग इनको जो सफलता दिलाते दिख रहे, ये लगभग बहुत पीछे की उम्र में दिख रही है ऑफशूट। ये लगभग 45 के बाद अच्छे खासे ऑफशूट इनके जीवन में है, और उसके बाद कम से कम 1, 2, 3 और ये ट्रायंगल 4, लगभग ये 40 के आसपास से या 45 के आसपास से ये अप टू 55 साल तक या 60 साल तक ये ऑफशूट कंप्लीट चल रहे। तो इस पीरियड में इनका ये गोल्डन पीरियड होगा इनके जीवन का। और इनके हाथ में 2-3 फेट लाइनें हैं और प्लस शुक्र वलय है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा खासा आएगा। और जीवन रेखा पे ऐसा कोई दबाव दिख नहीं रहा है जिसके बारे में डिस्कस किया जाए, वह छोटे छोटी राहु रेखाएं हैं तो वो कोई जीवन को इतनी परेशान नहीं करती। और इस तरह की छोटी मोटी तो झंझट मारिया लगभग सबके जीवन में आती है, क्योंकि जीवन रेखा से मोटी अगर राहु रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट आता है, पर अगर हल्की रेखा है तो छोटा मोटा टेंस आता है और वो हर एक के जीवन में लगा रहता है, कोई भी संपूर्णता लेकर आता ही नहीं। और एंड तक जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है, और ये रेखा जीवन रेखा से जो निकलकर चंद्र पर्वत पर जा रही है और यहाँ पर हल्की हो रही है, तो 100% ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट होता है। इनके डैडी को चिंता भी है कि व्यक्ति इनको अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो ये उसका कारण ये हो सकता है। इस शुक्र पर्वत पर बहुत सारी बारीक रेखाएँ है, ये इनको बाधाएं ला रही है जीवन में। अब इनका मनी ट्रायंगल देखते हैं, ये फेट लाइन, माइंड लाइन और ये बुध रेखा से बनने वाला मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा बढ़ा है, तो जीवन में धन का आगमन तो और इनकम के स्रोत इनके अच्छे खासे बनेंगे। अब इनकी फेट लाइन को देखने की कोशिश करते, ये नॉन स्टॉप चल रही है फेट लाइन, चंद्र पर्वत से निकली और हृदय रेखा पर आकर रुकी, और यहाँ से एक और फेट लाइन इस तरह से आगे जा रही है, और एक फेट लाइन ये, एक ये अच्छा सा बढ़िया सा ऑफशूट। यानी जीवन में इनको पैसे के मामले में तो कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉन स्टॉप प्रगति होते रहेगी इनकी और अच्छा खासा पैसा जीवन में आते रहेगा। और जब चंद्र पर्वत से इतनी अंदर से जब फेट लाइन निकलती है तो ऐसे लोगों को विदेश में से अच्छी खासी आय होती है, वहाँ जाकर ये अच्छे खासे सफल होते हैं, ये एक लाभ व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और इनकी फेट लाइन पर कोई ज़्यादा दबाव मुझे दिख नहीं रहा है, एक थोड़ा सा दबाव उम्र 37 के आसपास है और एक छोटा सा दबाव उम्र, और यहाँ पर तो ये हार्ट लाइन से निकल रही है तो कुछ ना कुछ बड़ा परिवार के लिए करेंगे। ये उम्र लगभग 45 के आसपास या 44 के आसपास कोई बड़ी चीज़ खरीदेंगे तो ये इनके पास से अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, वो ये शो हो रहा है। इनके फेट लाइन पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, अच्छी खासी फेट लाइनें आगे चल रही है, और 2-3 है ये एक जीवन में ऐसा कोई कार्य करेंगे जो किसी और का बेटा होगा और उसको सर्विस देकर ये पैसा कमा सकते हैं इस लाइन के कारण। ये उम्र 45 से इनके पास ये लाभ मिलेगा।
ये भी अच्छी खासी फेट लाइन जा रही है, ये भी अच्छी खासी फेट लाइन इनको जीवन में, यानी पैसे के मामले में तो यहाँ पर कोई तकलीफ मुझे दिख ही नहीं रही है। अच्छा खासा शुक्र वलय बना हुआ है जो इनको लाखों करोड़ों रुपए कमा कर देगा, प्लस कंप्लीट फेट लाइन है, मनी ट्रायंगल है और फॉरेन सेटलमेंट है। तो इनके डैडी को जो चिंता है वो मुझे इनके पाम पर दिख नहीं रही है। हाँ, छोटे मोटे इलाज इनको कराने पड़ेंगे, छोटी मोटी पूजाएं करानी पड़ेगी, उसको छोड़कर कोई मुझे इस पाम में कोई कमी नहीं लग रही है, काफ़ी उत्तम पाम है, तो चिंता का कोई सब्जेक्ट रहता नहीं। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।